नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा का जो ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जा रहा है, इस उच्चारण स्थान हम पढ़ रहे थे। उच्चारण स्थान के 5 टॉपिक हमने कर लिए थे, जो 5 बिंदु थे वो कर लिए थे, कंठ, तालु, दंता, मूर्धा और होठ, ओष्ठ। ये 5 हमने अच्छी तरीके से समझे थे। जो पहला वाला भाग है इसमें, इस चैनल के माध्यम से उसमें पढ़े थे। अब दूसरा भाग आज जो 5 बच्चे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 6 नंबर का पॉइंट है अपना नासिका। नासिका, नासिके वर्ण यानी नाक से बोले जाने वाले, नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण है वो कौन से हैं? इसका सूत्र है देखो, ये मैं ना नाम नासिका चय, यमगणना नाम, यमगणना नासिका चय, यानी जो वर्ण नासिका से जो बोले जाने वाले हैं वो ये हैं, ये मैं ने ने, ये 5 हो गए ना, ये नासिका से बोले जाने। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, क्यों कि ये जो वर्ण है ये प्रत्येक जो अक्षर है, प्रत्येक जो अपना वर्ण है, जैसे कै से लेकर के मैं जो पै तक के जो वर्ण है उनका जो 5वां अक्षर है, सबका 5वां अक्षर है। तो इसमें आप कहोगे कि ये तो जैसे कै का पंचम अक्षर है ने है, रे बोलते हैं उसको, तो इसका उच्चारण स्थान तो वहां पर कंठ बताया था। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर है नासिका होगा। अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ऑप्शन वाला कि ये का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ भी हो नासिका भी हो, तो आपको उत्तर में नासिका ही देना है, नासिका को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो ही होगा इसका, ये ध्यान रखना है। अगर नासिका न आए तो ये आ जाए तो उसका क्या देना है, तालु हो जाएगा। जो सूत्र था ना, इचु ये सानाम तालु, तो चयवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अब आगे लेते हैं हम कंठ तालु। इसका सूत्र है देखो, आई दे तो कंठ तालु, ऐ दे तो कंठ तालु। अब इसका उच्चारण स्थान बताना है आई, तो यहां पर देखो आ गया ए और आ गया आई, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठ और तालु से बोले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ये ए है, ए कैसे बनता, देखो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, अपूर्व विसर्जन कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। जो ए मिलता है ना वो किस प्रकार से बनता है, ए और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, करते हैं ना, ए और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु ये सानाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान यहां पर क्या हो गया, ये तालु हो गया। ए और ई मिलकर के ए बन गया, और ये कंठ और तालु मिलकर के बन गए कंठ तालु। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु, समझ में आ गई। तो ये दोनों जो हैं अक्षर हैं वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु होगा। अगला लेते हैं हम ओ, जो होता है अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और होठ, कंठोष्ठ का मतलब कंठ और होठ मिलकर के उच्चारण स्थान बनाते हैं। तो ओ दो तो सूत्र है इसका, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ और औ जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और होठ, यानी ओ और औ हैं, इनका उच्चारण स्थान होगा
कंठ और ओष्ठ, कंठ और होठ ओष्ठ मिलकर के इनका उच्चारण स्थान ये बनाते हैं कंठ और होठ। तो ये देखिए ओ ओ बनता है, देखो ओ का निर्माण कैसे होता है, ए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए का उच्चारण स्थान है कंठ होता है, अपूह विसर्जनीय आम कंठ है जो बताया गया था, ये हो गया कंठ, क्लियर। अब यहां पर हम लेते हैं ए और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, ए और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, जो था ना उपद्मानीय ओष्ठ, जो पैवर का उच्चारण स्थान होता है वही ऊ का उच्चारण स्थान भी होता है, तो ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया ओष्ठ, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए कंठोष्ठ, ये हो गए कंठोष्ठ, ठीक है। अब ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गए कंठोर होठ, हो गए समझ आ गई ये चीज कि ओ और औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोर होठ। अगला है वह जो होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी दांत और होठ मिलकर के जिस वर्ण जो वर्ण है उसका उच्चारण करते हैं, तो इसका सूत्र देखो वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ यानी जो वह है वह का उच्चारण स्थान, वकारस्य यानी वह का वह बोलते हैं तो अकेला जो वह है इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है, वह बोलते हैं वह का उच्चारण कीजिए वह, वह बोलते तो अपने जो दांत हैं वो होठ पर टच हो रहे वह हो रहे ना, तो इसी प्रकार से जो वह है इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। और लास्ट है अपना जिह्वामूलम, जिह्वामूलम इसका इसके अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, इसका सूत्र है जिह्वामूलम, जिह्वामूल मूलम सीधा इसका जिह्वामूलम ही लेते हैं, इसमें दो अक्षर हैं देखो, एक तो होता है ए इस प्रकार का निशान आ जाएगा और दूसरा होता है ख, पहला तो हो गया ख और दूसरा हो गया ख, तो इसका उच्चारण स्थान है ये हो गया जिह्वामूलम। तो हमने ये जो 10 प्रकार से इनको बांटा गया है तो ये सारे हमने क्लियर कर लिए। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, अब जैसे पहला है नासिका से बोले जाने वाले कौन कौन से, यमगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च, ये सूत्र आपको याद करना है, ये होते हैं अपना जो नासिका है, नासिका से हवा है वो फेफड़ों से होकर के नासिका की तरफ जाती है, नासिका से ये मैं ने ने ये बोलते हैं होता है ना, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान है नासिका होता है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है कि हमें पता नहीं है कौन सा उच्चारण स्थान, तो हम उसको बोल करके उसको उच्चारण करके देखिए आप, तब आपको एकदम से समझ आ जाएगी ये चीज। अब जैसे कंठ तालु है तो इसका सूत्र है आई दे तो कंठ तालु, ए बोलते हैं ए, कंठ से ध्वनि आ रही जो हवा है बाहर कंठ से निकली ए, और अपने तालु के जो जिव्या है अपनी तालु के टच हो रही है तो ए, और आई कंठ से निकल के जो श्वास वायु है बाहर निकल रही, बाहर निकल रही है तो तालु की टच हो रही, तो तालु के जो छू रही है तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ और तालु हो गया। अब अगला है कंठोष्ठ, कंठोर होट, अब ओ और औ है इसमें, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ और औ है, जैसे ओ बोलते हैं ओ, ओ बोलते हैं तो जो श्वास वायु वो कंठ से निकल करके कंठ से निकल रही है, फिर ओ तो होट अपने गोल हो रहे हैं क्योंकि इसमें ए हो गया और औ हो गया, ए और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं तो हो गया देखे ओ, ओ बोलते हैं तो कंठ से निकल करके बाद में जो हवा निकल रही है तो अपने होठों को गोल कर रही है तो कंठ हो रहे होट हो गए, ओ दो तो कंठोष्ठ। अब अगला है दंतोष्ठ, दांत और होठ मिलकर के जिसका उच्चारण स्थान जिस अक्षर का बनाते हैं वकारस्य दंतोष्ठ, वह एक ही ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण स्थान दांत और होठ होते हैं, जैसे
वह बोलते हैं, वह अपने जो दांत हैं वो होठ पे टच हो रहे हैं, तो इसलिए वह जो दांत हैं होठ को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ट। अब अगला है अपना अंतिम जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम का उच्चारण स्थान है, इनको क और ख होते हैं, क ख, तो ये इसका जो जिह्वा का जो मूल है वो इसका उच्चारण स्थान है होता है। तो हमने जो उच्चारण स्थान है वो सारे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अच्छी तरीके से समझा दिए गए आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको क्या पढ़ना है आगे। रीड के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट टॉपिक है, मैंने जो समझाया है इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये सभी छठी क्लास से लेकर के सभी जो परीक्षाएं हैं क्लासों के लिए उपयोगी है ये। तो आगे आपको क्या पढ़ना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।